डियर स्टूडेंट्स, फाइनली जो वेट है बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे एग्जाम्स का, उनका वेट ओवर हो चुका है और जो डेट शीट है फाइनली एमडी यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दी है। इसके लिए जो टाइमिंग रखी गई है पेपर के लिए वो 10 से 11:30 की रखी गई है। चाहे आप ऑफलाइन दे रहे हैं पेपर, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हैं, दोनों मोड के लिए जो टाइमिंग होगी वो 10 से 11:30 की रहेगी। और सेंटर ऑफ एग्जाम आपका बिल्डिंग नोटिस या फिर अगर आपके रोल नंबर स्लिप आती है वहाँ पर रहेगा। सबसे पहले जो पेपर होगा आपका, अगर हम बात करें, स्टार्टिंग होगी 18/10/2020 से। इस दिन जो पेपर होंगे वो रहेंगे हमारे नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के लिए जो टाइम रहेगा भाई वो रहेगा आपका 10 से 10:30 तक, मतलब हाफ आवर इनऑर्गेनिक। उसके बाद फिजिकल का जो पेपर है उसके लिए भी आपको हाफ आवर मिलेगा 10:30 to 11। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके लिए आपका टाइम रहेगा 11 to 11:30। बाकी और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं ले रखी, मान लिया उन्होंने कंप्यूटर ले रखा है, तो उनके लिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए पहला जो पेपर होगा वो कंप्यूटर फंडामेंटल का होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल 2। इसके लिए टाइमिंग रहेगी आपकी लगभग 10 से लेकर 10:45 तक। उसके बाद जो सेकंड पेपर है आपका कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का, वो आपका रहेगा 10:45 to 11:30, मतलब ये आपके दोनों पेपर एक साथ होंगे। उसके बाद अगर आपने आईटी ले रखी है तो आईटी ओरेकल और आईटी यूनिक्स एंड लाइनेक्स, ये जो पेपर होगा आपका यूनिक्स एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो पेपर की टाइमिंग रहेगी सेम 10 to 10:45 फर्स्ट पेपर और 10:45 to 11 ये आपका सेकंड पेपर रहेगा। फिर अगर इसने कंप्यूटर साइंस ले रखी है भाई, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, तो ये पेपर होगा कंप्यूटर फंडामेंटल 2 और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स 2। अगर आपने कंप्यूटर साइंस ले रखी है तो कंप्यूटर साइंस के लिए फर्स्ट पेपर आपका विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये दोनों जो पेपर सेम टाइमिंग पे, फर्स्ट के लिए टाइम मिलेगा आपको 10 to 10:45 और सेकंड के लिए मिलेगा आपको 10:45 to 11:30। उसके बाद सेकंड जो पेपर होगा आपका 20/10/2020 मेडिकल वालों का जो पेपर होगा, इसमें जूलॉजी का, जूलॉजी जिसमें आएगा एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंदर आपका जो टाइमिंग रहेगा 10 to 10:45 रहेगा। जो सेकंड पेपर होगा जूलॉजी का ही, पेस्ट मैनेजमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2011 ओल्ड, ये रहेगा आपका भाई 10:45 to 11। इस प्रकार से 11:30 आपका पेपर होगा। ये यूनिक्स एंड लाइनेक्स 10:45 to 11:30 था भाई, ठीक है, जैसा कि टाइमिंग मैंने यहाँ पे बता दी थी। अच्छा, जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनका फिजिक्स का जो पेपर होगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स, ठीक है, ये टाइमिंग रहेगी 10 to 10:45। और जो सेकंड पेपर होगा फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स, ये जो होगा आपका 10:45 to 11, ठीक है। इसके बाद जूलॉजी में, जूलॉजी में हमारा पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एंटोमोलॉजी हो गई 10 to 10:45, ये वही पेपर जो हैं एंटोमोलॉजी और पेस्ट मैनेजमेंट, ये आएंगे आपके 10 to 10:45। और 10:45 to 11:30 आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी रहेगी, मतलब ये जो टाइमिंग है सेम है भाई 10 to 10:45 है ये टाइमिंग। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये दोनों पेपर 45 मिनट के अंदर जो दो पेपर बच जाएंगे आपके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी विद इफेक्ट फ्रॉम 2017-18 और दूसरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी विद इफेक्ट फ्रॉम 2011, ये दोनों की टाइमिंग आपकी रहेगी 10:45 to 11 की। जूलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें आपका 10:45 to 11:30 रहेगा टाइम, ठीक है। उसके बाद 22 तारीख को जो है रहेगा आपका मैथ 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस,
रियल एंड कॉम्प्लेक्स के लिए टाइमिंग रहेगी आपकी 30 मिनट, 10 to 10:30। फिर मैथ टू होगा आपका वही लीनियर अल्जबरा की जो टाइमिंग रहेगी आपकी 10:30 to 11। और थर्ड रहेगा भी आपका डायनामिक्स में चाहे रीअपियर है 2014-15 से सेशन वाले या फिर फ्रेश स्टूडेंट से 2018-19 से लेकर अब तक के, उनकी टाइमिंग रहेगी 11 to 11:30। क्लियर है? फिर अगर किसी ने डायनामिक्स की बजाय मैथ 3 है आपका, ये ले रखा भी आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्या है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो रहेगा भी आपका 11 to 11:30। इसमें से एक पेपर आपका होगा, अगर आपने ये चूज कर रखा था आपका डायनामिक्स का, ये होगा तो आपका न्यूक्लियर एनालिसिस, एक प्रकार से डायनामिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस का। उसके बाद अगर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल वालों का होगा भाई बोटनी का, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके लिए टाइमिंग मिलेगी आपको लगभग 45 मिनट्स, 10 to 10:45। सेकेंड जो पेपर होगा बोटनी का, उसमें आपके आते भाई इकोनॉमिक बोटनी, कौन आते भाई इकोनॉमिक बोटनी, उसके अंदर आता आपका 10:45 to 11:30। क्लियर है? उसके बाद लास्ट जो पेपर है भाई 24 को, इसके अंदर आ जाएगा भाई स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिक्स ऑपरेशनल रिसर्च, टाइमिंग हुई 45-45 की दोनों के लिए। और अगर किसी के पास जियोलॉजी है तो जियोलॉजी में स्टैटिग्राफी 10 to 10:45, और जियोलॉजी के अंदर इकोनॉमिक जियोलॉजी, इंडियन मिनरल एंड एनवायरमेंटल जियोलॉजी 10:45 to 11:30। तो ये आपका जो है टोटल एक प्रकार से जो पेपर अटैम्प्ट होना है उसका तरीका रहेगा। एक बात और, जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं इनऑर्गेनिक फिजिकल या ऑर्गेनिक के अंदर, उनके जो एमसीक्यू हैं, ज़्यादातर एमसीक्यू भी आपके यूनिट्स के लिए अपलोड हो चुके हैं, आप लिंक देख सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है? तो वहाँ से आप जो है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप सभी के एग्जाम्स अच्छे हों। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को आपके आने वाले पेपर्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सभी जो है ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा हुआ। अगर हमारे मटेरियल से आपको कुछ हेल्प मिली है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।